Yes, very good evening everyone. Today's topic is all about population theories and principles. तो एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए पहली पॉपुलेशन थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के लिए. वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ वेरी फ्यू सेकेंड. वी आर स्टार्टिंग विद इन अ वेरी फ्यू सेकेंड. जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए ऑनलाइन. तो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन. टुडेज टॉपिक, हम लोगों को पता है कि 11 लेक्चर पूरे हो चुके हैं कॉमर्स पीजीटी के, जिसमें जो पार्ट बी है या खंड बा है वो पूरा पीजीटी कॉमर्स से खत्म हो चुका है. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सी. पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स का. और जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में भी पॉपुलेशन थ्योरी जो प्रिंसिपल टॉपिक है. नम्रता चौधरी, कुछ कुछ क्लासेस दिखती है, सबको नहीं दिखती सभी क्लासेस. सो ऑल दोज कैंडिडेट हू आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, माई नेम इज अनुभव सिंह. सिंस लास्ट 11 ईयर आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. एंड आई यूज टू वर्क विद इंडिया टॉप टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, IIM लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LPU, MIT यूनिवर्सिटी शारदा. मेंटर्ड एंड गाइडेंस 1000 से ज्यादा बच्चों को नेट JRF क्वालिफाई करा चुके हैं कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में. क्रैक द यूजीसी नेट JRF 4 टाइम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. MBA इंटरनेशनल बिजनेस, MCOM, IB, MA इकोनॉमिक्स एंड PhD अप्लाइड इकोनॉमिक्स. टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें हम तीन थ्योरीज की बात करेंगे, मॉल्टस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन और द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो जितनी थ्योरी हो पाएंगी उतनी आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे. आज पहला थ्योरी हम लोग उठाएंगे माल्टस माल्टिशियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. तो माल्टस एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दिया है माल्टिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन. इसमें इन्होंने क्या बोला था कि माल्टिशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज द थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन एंड आर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ. समझ में आएगा कि द थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय थॉमस रॉबर्ट माल्टस. ही बिलीव दैट ए बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द फूड सप्लाई कैन बी एस्टेब्लिश थ्रू अ प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक. इनका कहना था कि किस किस एक किस वहां पर रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ती है उसके रिफरेंस में अगर फूड सप्लाई नहीं बढ़ेगी, अगर जितनी जनसंख्या बढ़ती है उसकी रिफरेंस में, उसी की तुलना में अगर फूड सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो देश में गरीबी का दौर आ जाएगा, देश में क्या भुखमरी हो जाएगी. तो उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है और आर्थमेटिक फूड ग्रोथ क्या होती है, फूड सप्लाई हमारी आर्थमेटिक पे पहुंचती है. अभी देखिए बताते हैं आगे आपको. तो एक इकोनॉमिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट माल्टस, उन्होंने अपना व्यूज दिया पॉपुलेशन थ्योरी के लिए. उनकी फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन. नोट कर लीजिए कि कोई पूछ सकता है कि माल्टस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कब आई, तो जो किताब पब्लिश हुई थी 1798 में, 1798 में किताब पब्लिश हुई, ठीक है. तो जो बुक पब्लिश हुई उस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में क्या हुआ, 1798 में एक थ्योरी दी जिसको माल्टिसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जाना गया. इस थ्योरी में मेनली यही था कि जो ग्रोथ होती है वो हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, और जो हमारी फूड सप्लाई होती है वो हमारी
आर्थमेटिक होती है, अभी वो बताएंगे हम कैसे। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, ठीक है। तो ऐसे डबल होते जा रहे हैं, क्या हो, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है भाई। अगर आर्थमेटिक, अगर भाई हम लोग फूड सप्लाई की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो देख लीजिए कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस तो आ ही जाएगा। खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, 1 के 2 जा रहे हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 256, तो हर 200 साल में कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के तहत पॉपुलेशन ज्यादा हो जा रही है, बट उसकी तुलना में उतना फूड इंक्रीज नहीं हो रहा। अब मान लीजिए खाने वाले 10 लोग हैं, खाना 2 लोगों का है, तो क्या होगा, एक इम्बैलेंसेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिमांड होगी 10 लोगों की खाने की, डिमांड 10 लोगों की है, सप्लाई कितने लोगों की होगी बच्चा, सप्लाई होगी केवल 5 लोगों की। तो उससे क्या हो जाएगा, इम्बैलेंसेस लीड टू ओवर पॉपुलेशन, उससे क्या होगा कि इम्बैलेंसेस हो जाएगा, असमानताएं आ जाएंगी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर इसको कंट्रोल करना होगा आप, तो प्रिवेंटिव चेक, लेट मैरिज, शादियां लेट होंगी, चेस्टी, मोरल रिस्ट्रेंट्स, पॉजिटिव चेक, वाइस माइजरी, वार, फेमिनिन, फ्लड्स, लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग मारे जाएंगे, फेमिनिन की बात करेंगे, फ्लड्स की, भूकंप आ गया तो लोग मारे जाएंगे। तो प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक की उन्होंने बात किया, आगे आपको समझाएंगे। तो माल्टस थ्योरी पॉपुलेशन की कुल मिलाकर अगर बात करें तो यही है कि किस किस रेशियो में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी, उसी रेशियो में अगर जनसंख्या, उसी रेशियो में अगर फूड सप्लाई नहीं बढ़ती है तो देश में, दुनिया में एक इम्बैलेंसेस आ जाएगा, असमानताएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, वो बाद में फिर आपको ठीक करना होगा। देखिए इनका अगर बायोग्राफी बात करें, 1766 में पैदा हुए, 1834 में इनकी डेथ हो गई, बॉर्न नियर गिल्डफोर्ड एक शहर का नाम था। रोट एन एसे इन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वॉज पब्लिश इन 1798, पहली बार 1798 में किताब पब्लिश हुई, उसी में ये माल्टा थ्योरी आई, ठीक है। अब इसमें एक चीज दिखाते हैं आपको, यस हाँ, यही बात बताया ना हमने कि माल्टा थ्योरी में जो एक मिसमैच है, मिसमैच कौन सा है कि खाना खाने खाने के लिए मतलब फूड सप्लाई कम है बट जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये विश्वास करते थे, ही बिलीव दैट ए बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई कैन बी स्टेब्लिश थ्रू प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक हमने आपको बताया, उसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव चेक। तो प्रिवेंटिव चेक, प्रिवेंटिव मतलब पहले से ही आप कुछ प्लान करके रखे, पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक के थ्रू आप इन दोनों को मेंटेन, जो अनबैलेंस है उसको आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अब कोर प्रिंसिपल्स ऑफ माल्टस क्या था, माल्टस के जो कोर प्रिंसिपल्स है क्या था, फूड इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सिंपल सीधी सी बात है, अगर मानव जीवन है, अगर इंसान को जिंदा रहना है तो खाना सभी के लिए आवश्यक है, तो फूड इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। दूसरा, ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो फास्टर देन द पावर इन द अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सटेंस। सीधी सी बात है, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्रो फास्टर देन द पावर इन द अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सटेंस। दुनिया में सबसे तेज से कोई चीज जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसी ह्यूमन की बढ़ती है। द इफेक्ट ऑफ दिस टू अनइक्वल पावर मस्ट बी किप्ट इक्वल। मतलब अगर फूड सप्लाई और पॉपुलेशन अगर दोनों अनइक्वल हैं, इसको आपको इक्वली करना पड़ेगा तभी चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। अगर अनइक्वल रहेगा तो दुनिया में गरीबी बहुत ज्यादा हो जाएगी, भुखमरी की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। सिंस ह्यूमन टेंड नॉट टू लिमिट देयर पॉपुलेशन सिंस वॉलेंट्री प्रिवेंटिव चेक इन माल्टा थर्मिनोलॉजी। कहने का मतलब है, अगर एक इंसान अपने आप जानबूझ के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहा है तो प्रिवेंटिव चेक आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। प्रिवेंटिव चेक क्या होते हैं, हमने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए लेट मैरिजेस, शादियां लेट होना चाहिए, चेस्टिटी, मोरल रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मान मान के चलना, कोर प्रिंसिपल माल्टस यही कहते थे कि फूड इज नेसेसरी दुनिया के हर इंसान के लिए, अगर जीवन अगर उसको अपना करना है, जीवित रहना है तो उसको खाना चाहिए चाहिए होगा। सबसे तेज जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है किसी चीज की पूरी अर्थ पृथ्वी पे, वो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है। दोनों चीज को इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज देश पूरी दुनिया में भुखमरी आ जाएगी। अगर अगर ह्यूमंस खुद से पॉपुलेशन का साइज वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं करते हैं तो प्रिवेंटिव चेक आपको फॉलो करने पड़ेंगे।
इसमें पॉपुलेशन इन द फूड सप्लाई, द माल्टा थ्योरी एक्सप्लेन दैट पॉपुलेशन ग्रोज इन अ ज्योमेट्रिकल फैशन। हमने आपको बताया था ना पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये ज्योमेट्रिक फैशन बोला जाता है, ज्योमेट्रिक में बढ़ रही है। द पॉपुलेशन वुड डबल इन अ 25 ईयर एट दिस रेट। अगर इसी रेट से जनसंख्या बढ़ती है तो हर 25 साल में पॉपुलेशन क्या होगी, डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, डबल पॉपुलेशन हो जाएगी। हाउ एवर द फूड सप्लाई ग्रोज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब बट जो फूड सप्लाई होती है वो अर्थमेटिक में बढ़ती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फूड सप्लाई इंक्रीज एट ए स्लोअर रेट देन द पॉपुलेशन, फूड सप्लाई पॉपुलेशन की रेट से हल्की स्लो बढ़ती है। पॉपुलेशन की रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बट फूड सप्लाई इंक्रीज एट ए स्लो रेट, पॉपुलेशन की तुलना में फूड सप्लाई हल्के बढ़ती है। दैट इज द फूड सप्लाई विल बी लिमिटेड इन अ फ्यू ईयर्स। सीधी सी बात है, कुछ सालों में फूड सप्लाई क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई इंडिकेट एन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। और फूड सप्लाई कम होगी उससे लगेगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब भारत में हम लोग गरीबी मानते हैं कि इंडिया में बहुत गरीबी है, क्यों माना जाता है, कि फूड सप्लाई कम है, रिसोर्स संसाधन कम है, उसकी तुलना में पॉपुलेशन ज्यादा है। भाई हम लोग अगर बात करें चाइना की, चाइना में भारत से ज्यादा पॉपुलेशन है, बट उनके पास संसाधन भी ज्यादा है, रिसोर्सेस भी ज्यादा है, फूड सप्लाई भी ज्यादा है। गरीब किसको बोलते हैं, जिसके पास संसाधन नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर फूड सप्लाई उतनी लिमिट में या उतनी पेस से नहीं बढ़ती है जितनी पेस से, जितनी रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एक समय के बाद क्या होगा, फूड सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपको लगेगी पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ रही है। अगला हुआ प्रिवेंटिव चेक लेने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव चेक क्या होते हैं, द प्रिवेंटिव मेजर सच एज लेट मैरिज, आपको लेट सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना होगा कि ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े। सिंपल लिविंग हेल्प द बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। अगर हम लोग लेट मैरिजेस होंगी, सेल्फ कंट्रोल होगा, सिंपल लिविंग होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपको एक बैलेंस बन जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ में और फूड सप्लाई में। दीज मेजर्स नॉट ओनली चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मेजर्स केवल पॉपुलेशन ग्रोथ चेक नहीं करते, बट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑफ द पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। माल्टस रिकॉग्नाइज द पॉपुलेशन इफ अनचेक ग्रोज एट ए ज्योमेट्रिक रेट। अगर पॉपुलेशन को सही से चेक नहीं करेंगे, अनचेक रह जाएगी, तो कैसे बढ़ती है, ज्योमेट्रिक में, 1, 2, 4, 8, 16, 32। हाउएवर फूड ओनली इंक्रीज एट एन आर्थमेटिक रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जमीन इनफाइनाइट है, सॉरी जमीन फाइनाइट है भाई, जो जमीन है लैंड, आज के टाइम में देखिए, आज से देखिए 1950 में भारत की जीडीपी में करीबन करीबन 50% कंट्रीब्यूशन कहां से आता था, एग्रीकल्चर से, किससे, एग्रीकल्चर से। बट जैसे तैसे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लैंड कम हुई, जमीन कम हुई, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में कम होता रहा। सीधी सी बात है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए होंगे, फैक्ट्रियां बनेंगी बड़ी बड़ी, खाने के लिए खाना चाहिए, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड जैसे ही कम होगी, तो यस, मतलब कुल मिला के जीएम की मतलब है 1, 2, 4, 8। अभी इसमें ये नहीं लिखा कि हर साल 1 की 2 होगी, 2 से 4 होगी, ये नहीं लिखा है। मतलब पॉपुलेशन मान्यता होती है कि अब आज कोई एक इंसान है, अगली साल में 2 हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, कोई एक बच्चा, कोई बेबी बॉर्न हुआ है, वो अभी 1 साल का है, अगली साल वो 2 थोड़ी ना हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो 2 होगा, फिर 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। जो 1, 2, 4, 8, 16, 32 बता रहे हैं हम आपको, वो केवल एक एवरी ईयर की बात नहीं है, वो एक नॉर्मल ज्योमेट्रिक मीन है, ये मतलब है। कोई एक बेबी जो 1 साल का, अगली साल वो है ना, कि अगली साल वो 2 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता, वो एक सर्टेन टाइम के बाद ही 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, ठीक है, समझ गए। और आप लोगों को पता, लैंड हमारे क्या होता है, फाइनाइट है, लैंड हमारी एक सीमित लैंड है, उसी के चक्कर में क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है पॉपुलेशन में और जमीन उस फूड में। एंड देयरफॉर ही सेड माल्टीसियन कैटास्ट्रोफी, क्या करना पड़ेगा, वार, लड़ाई करनी पड़ेगी, फेमिनिन डिजीज। तो मतलब
माल्टस ने उस जमाने में बोल दिया था कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ भी करिए, बट जनसंख्या कंट्रोल करिए, नहीं तो एक समय के बाद बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। फूड देखिए क्या हो रहा है, फूड एक एक सीधा बढ़ रहा है, बट भाई पॉपुलेशन देखिए क्या है, फूड से बाहर निकल गई, निकल गई नहीं निकल गई, उससे क्या होगा, एक इम्बेलेंसेस हो जाएगा, असंतुलन आ जाएगा। तभी माल्टस ने बोला कि लगातार चेक्स करते रहिए। माल्टस सजेस्टेड दैट वंस द सीलिंग कैस्ट्रोपी हैड बीन रीच्ड, फर्दर ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन वुड बी प्रिवेंटेड बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेक्स। ही सा द चेक एज अ नेचुरल मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, दे कैन बी स्प्लिट अप इनटू द थ्री ग्रुप्स। कहने का मतलब है, अभी बताते हैं आपको, जैसे पॉपुलेशन यहां पर पहुंच जाए, दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, फूड को क्रॉस कर जाए, फूड से पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, फूड सप्लाई कम हो, उसके बाद क्या करना चाहिए, इन्होंने बोला कि कुछ निगेटिव और पॉजिटिव चेक आपको करना पड़ेंगे जिससे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। निगेटिव चेक क्या थे, डिक्रीज द बर्थ रेट। आप क्या करिए, निगेटिव चेक क्या है, बर्थ रेट को कम करिए, जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको किसी किसी हिसाब से कुछ भी करिए, उसको बर्थ रेट को कम करिए। तो निगेटिव चेक वर यू पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इंक्लूड द अब्सेंटिस, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज, विच लोअर द फर्टिलिटी रेट। सिंपल सी बात है, इट इंक्लूड द अब्सेंटिस, शादियों को लेट करिए, विच लोअर द फर्टिलिटी रेट। भाई माल्टस फेवर्ड मोर रेस्टेंट्स इंक्लूडिंग लेट मैरिज एंड सेक्सुअल अब्सटेंस एज अ चेक एन पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउएवर इट इज वर्थ नोटिंग दैट माल्टस प्रपोज दिस ओनली फॉर द वर्किंग एंड पुअर क्लासेस। गरीब और पुअर क्लासेस के लिए उन्होंने बोला कि निगेटिव चेक फॉलो करिए जिससे कि डिक्रीज करिए बर्थ रेट। एक पॉजिटिव चेक की बात किया, एक निगेटिव चेक की बात किया। ये याद रखिएगा, पॉजिटिव चेक और निगेटिव चेक कब करना है, जब आपका जो माल्टस कैस्ट्रॉपी की एक लाइन है, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू वाली आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाते हैं आपको एक बार। ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली लाइन हमारी पॉपुलेशन की, जैसे ये क्रॉस हो जाएंगे तो आपको निगेटिव चेक और पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा जिससे पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकें। तो निगेटिव चेक में क्या करना है, आपको पॉपुलेशन बर्थ रेट कम करना है। बर्थ रेट कम करने के लिए कुछ भी करिए, बट आपको अपने अपने देश का, अपनी कंट्री का आपको बर्थ रेट कम करना है। दिस इज ऑल अबाउट द निगेटिव चेक। भाई पॉजिटिव चेक क्या है, इंक्रीज द डेथ रेट। अब लोगों को बर्थ रेट तो अपने हाथ में है, बट डेथ रेट को कैसे इंक्रीज करेंगे। डेथ रेट को इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव चेक्स वर बेस्ड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन साइज बाय इवेंट सच एज फेमाइन, डिजीज, वॉर, इंक्रीजिंग द मोर्टिलिटी रेट एंड रिड्यूसिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सीधी सी बात, इनका कहना है कि बीमारियां आ जाएं। मतलब आज सोचिए, आज हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल का बहुत, आपको पता है कि पॉपुलेशन जनसंख्या का कोई बिल नहीं आ पा रहा है, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। माल्टस ने 1980s में, आज से 200 साल, 150-200 साल पहले बोल दिया था कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया में बहुत बड़ा दिक्कत आने वाला है। तो जिन देशों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, दोज कंट्री बिकेम द डेवलप्ड। जापान का बात करिए आप, यूएस का बात करिए, यूरोप की बात करिए, यूरोपियन कंट्रीज में सभी जगह पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल है, बट कंट्रीज लाइक इंडिया, बट जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाया, तभी देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हम लोग को सामने करना पड़ रही हैं। तो निगेटिव चेक में क्या था, इंक्रीज द डिक्रीज द बर्थ रेट, बट पॉजिटिव चेक में बोला कि डेथ रेट इंक्रीज करो। डेथ रेट कैसे इंक्रीज करोगे, फेमिन कर दीजिए, डिजीज द नई नई बीमारी निकल के आ जाए जिससे लोग मर जाए, जिससे लोगों की डेथ हो जाए। अब देखिए ना, कोरोना में कितने लाखों लोगों की डेथ हो गई। वॉर इंक्रीजिंग, लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें भी लाखों लोग मारे जाएंगे, जिससे क्या होगा, डेथ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव चेक। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव चेक में क्या है, इंक्रीज द, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, पॉजिटिव चेक क्या होता है, इंक्रीज द डेथ रेट, निगेटिव चेक क्या है, डिक्रीज द बर्थ रेट। यस पूजा, निगेटिव चेक फॉलो हो रहा है इस समय, पॉजिटिव चेक फॉलो हो रहा है इस समय। फेमाइन की बात करिए, डिजीज की बात करिए, कितनी सारी डिजीज नई नई निकल के आ रही है, बॉर हो रहा है, उसमें लाखों लोग की डेथ हो रही है साल में, ये नहीं पढ़ना है। अब आए माल्टस का, अगर हम बात करेंगे माल्टा, तो क्रिटिसिज्म हुआ था पूरी दुनिया में, जितनी यूरोप उस जमाने में। अब ये देखिए 1798 में, सोच देखिए आप, आज से 222 साल पहले, आज से 222 223 साल पहले उन्होंने बात कर दिया पॉपुलेशन कंट्रोल की, जिस जमाने में पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, समझ रहे हैं।
तभी देखिए इंडिया के इकोनॉमिक्स की बात करिए, इंडिया के लोगों की बात करिए, अभी दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो पूरी दुनिया में बड़े बड़े क्यों बने, उनकी सोच 200 साल 300 साल आगे तक की चलती है। पॉपुलेशन की दिक्कत कब है? अब। लेकिन माल्टस ने 1798 में थ्योरी दे दी, 1798 में थ्योरी दे दी कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत ज्यादा इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, पूरी दुनिया में इनकी आलोचना हुई, क्योंकि उस जमाने में पॉपुलेशन सही में कंट्रोल थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी। उसके बाद थ्योरी दे दी कि इन फ्यूचर में ऐसा होगा अगर आप मानेंगे नहीं तो, उसके इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, आगे आपको बताएंगे। वॉज माल्टस राइट? क्या माल्टस ठीक थे? माल्टस ने थ्योरी दी वो ठीक थी। देयर हैज बीन अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अफ्रीका रिपीटेड फेमिनिज, वॉर, फूड क्राइसिस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, क्रॉप फेलवर एंड डिस्टेरियस फ्लड्स, सो वॉज ही राइट? तो कई सारी चीजें आई, कई सारी बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो लोगों ने बोला माल्टस ठीक थे या माल्टस। ठीक है, तो कई सारी दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट विच ही कुडेंट हैव फोरसीन, बहुत सारी चीजों को उन्होंने दिमाग में रखा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने दिमाग में नहीं रखा, टेक्नोलॉजी को उन्होंने दिमाग में नहीं दिया, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट विच ही कुडेंट हैव सीन, टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल बहुत ज्यादा इनकम बहुत जनरेट हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है टेक्नोलॉजी के चक्कर में, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्रॉप लैंड ड्यू टू द इरीगेशन, सीधी सी बात है क्रॉप लैंड बढ़ गई, इरीगेशन बहुत अच्छा हुआ, इरीगेशन में नई नई टेक्नोलॉजी आई, उससे क्या हुआ कि क्रॉप लैंड थी मतलब खेती योग्य जमीन थी वो बढ़ गई, रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ एज कंट्रीज मूव थ्रू द डीटीएम। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते क्रिटिसिज्म, बात करते क्रिटिसिज्म क्या क्या था। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में पॉपुलेशन वॉज राइटिंग एट ए रैपिड रेट, पॉपुलेशन रैपिड रेट में बढ़ रही थी, एट द सेम टाइम द फूड सप्लाई हैड ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। पश्चिमी यूरोप में बहुत ज्यादा इनका क्या हुआ, बहुत ज्यादा इनका क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन क्योंकि एक रैपिड रेट थे, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट उसी के साथ साथ फूड सप्लाई भी बढ़ गई क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया। मेनी टाइम्स फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज मोर देन द पॉपुलेशन, कई बार ऐसा हुआ कि फूड सप्लाई ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द यूएस, स्टिल द टोटल जीडीपी इज मोर देन $14 ट्रिलियन, देख लीजिए आप पूरी जीडीपी का, अब तो ज्यादा है, केवल 2% पूरी पूरे पॉपुलेशन के केवल 2% लोग एग्रीकल्चर में है, उसके बाद भी जीडीपी 14 15 ट्रिलियन डॉलर में है। माल्टा थ्योरी ने बोला कि स्टेटेड दैट वन ऑफ द रीजंस फॉर लिमिटेड फूड सप्लाई इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, माल्टस ने बोला था कि लैंड नहीं है इसीलिए फूड सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, हाउएवर द अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई इन वेरियस कंट्री हैज इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे देशों में क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में फूड सप्लाई भी बढ़ गई। नेक्स्ट हुआ था एस्टिमेट्स, एस्टिमेशंस फॉर ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर नॉट प्रोवाइडेड बाय द माल्टस, इट वाज स्टेटेड दैट द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट कंसिस्टेंट विद द माल्टस थ्योरी, बहुत सारी जगह क्या हुआ माल्टस किसी को कोई डाउट।
लोग बताइए कोई डाउट। अगला आ गया ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें क्या था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन। नोट कर लीजिए, आज हम पीजीटी इकोनॉमी से पेपर देख रहे थे कॉमर्स का, उसमें एक राइटर बहुत पूछे जा रहे हैं। तो एडविन कैनन इन हिज बुक वेल्थ पब्लिश इन 1924, 1924 में किताब आई, उसमें ये ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन आया, पॉपुलराइज बाय रॉबिन्स डाल्टन एंड कैरी कैरिसंडर्स। अनलाइक द माल्टन थ्योरी डजेंट स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। जैसे माल्टन थ्योरी ने फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में रिलेशन दिया, बट ये थ्योरी पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई में रिलेशन नहीं है। रादर ये क्या, इट इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यहाँ ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, पॉइंट नोट कर लीजिए। पूछा यही जाता है कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किससे मतलब है, पॉपुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर रिलेशन किससे है कि वेल्थ कितनी बढ़ रही है, मतलब वेल्थ मतलब पैसा, वेल्थ ओवरऑल धन कितना, ओवरऑल आपकी कैपिटल कितनी बढ़ रही है और पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है। द माल्टेसियन थ्योरी इज अ जनरल थ्योरी व्हिच स्टडीज द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री इन कीपिंग विद इट्स इकोनॉमिक कंडीशन, बट दस द ऑप्टिमम थ्योरी इज मोर रियलिस्टिक देन द माल्टस थ्योरी। बस क्योंकि देखिए वो उस जमाने में दी गई 1798 में, बट ऑप्टिमम थ्योरी 1924 में आई, तो कहीं ना कहीं माना यह गया ऑप्टिमम थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक है, मतलब सच्चाई इसमें ज्यादा है और रियल लाइफ में इसका ज्यादा प्रैक्टिकली फॉलो किया गया है। बट इसमें किस पे फोकस किया गया, साइज ऑफ द पॉपुलेशन कितना है और प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक साल में। डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द आइडियल पॉपुलेशन विच कंबाइंड विद द अदर अवेलेबल रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री विल यील्ड द मैक्सिमम रिटर्न और इंक्रीज पर हेड, इनकम पर हेड। कुल मिलाकर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करें, एक होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन, एक होता है मिनिमम, उसके बीच में होता है एक ऑप्टिमम। आपकी ऐसी पॉपुलेशन जिसमें हर इंसान को, हर इंसान जो भी एक देश में इंसान है या जिस कंट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुसार ही हर इंसान की मैक्सिमम रिटर्न मिले उसको, इनकम पर हेड। ठीक है, या कुल मिलाकर दूसरी भाषा में बोले, इन अदर वर्ड वी कैन से कि मैक्सिमम रिटर्न्स द इंडिविजुअल्स आर गेटिंग एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कुल मिलाकर कितनी ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब है कि एक देश में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो एक देश में उतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए जहां तक कि एक इंसान को एक इनकम पर हेड, इंडिविजुअल इंसान की इनकम भी मैक्सिमम रहे और उसको रिटर्न भी मैक्सिमम मिले। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन हैज बीन डिफाइंड डायरेक्टली बाय रॉबिन्सन, कार सॉन्डर्स एंड डॉल्टन। रॉबिन्स डिफाइंड द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक द मैक्सिमम रिटर्न पॉसिबल इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन और द बेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन। सीधी सी बात है कि रॉबिन्स ने यह बोला कि अच्छा पॉपुलेशन वही माना जाएगा जहां पर एक इंसान को मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर। कॉर्ड सोरेंडर ने क्या बोला है, कॉर्ड सोरेंडर डिफाइंड दैट पॉपुलेशन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर। कॉर्ड सोरेंडर ने बोला कि ऐसी पॉपुलेशन जहां पर हर इंसान को मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोड्यूस कर रहा है उसको पॉपुलेशन अच्छा बोला गया। डॉल्टन के अनुसार पॉपुलेशन को क्या बोला गया, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड। एक इंडिविजुअल इंसान की मैक्सिमम इनकम रहे उसको, उस पॉपुलेशन को बोला गया है मैक्स ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इफ वी व्यू वी फाइंड दैट डाल्टन व्यू इज मोर साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक विच वी फॉलो। इन तीनों में
और सॉन्डर्स में, रॉबिन्स में और डॉल्टन में सबसे माना गया, डॉल्टन का बहुत साइंटिफिक माना गया और रियलिस्टिक माना गया। एजम्पशन क्या है इनकी? द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंपनी आर गिवन, द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री आर गिवन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बट दे चेंज ओवर टाइम। सीधी सी बात है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं एक देश के एक समय में, वे समय के साथ क्या होते हैं? बदल जाते हैं। देर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एजम्पशन है, मान कर चल रहे हैं कि एक समय के साथ कोई टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंजेस नहीं होता। द स्टॉक ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट, एजम्पशन होता है कि जो मान के चल रहे हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट, द हैबिट्स एंड टेस्ट ऑफ द पीपल डोंट चेंज। वैसे एक्चुअली में चेंज हो जाता है, लेकिन ये मानकर चल रहे हैं कि इंसान का हैबिट और टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। द रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल प्रोडक्शन पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट इवन विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कहने का मतलब है, अगर 100 लोगों में से 20 लोग काम कर रहे हैं, अगर पॉपुलेशन 200 भी हो गई तो परसेंटेज यही रहेगी, 40 लोग हो जाएंगे। अभी भी 20% है, ये भी 20% है। मान के चल रहा है कि जो रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद चेंज नहीं होती। रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, वर्किंग आवर ऑफ लेबर डोंट चेंज, मोड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगला थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कोई डाउट सेकंड वाले में एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो कल पूछ लीजिएगा। लास्ट पढ़ लीजिए एक बार, हम दोबारा बता देंगे, थ्योरी थोड़ी कठिन है, एक बार में समझ में नहीं आएगी तो अभी बहुत टाइम है, 10-15 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, 20-25 दिन में अकाउंट प्रॉब्ली जून तक की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जुलाई से दोबारा रिवीजन करा देंगे आप लोगों का। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें क्या बोला गया है? द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ द एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी कंट्री पासेस थ्रू द थ्री डिफरेंट स्टेज। इस थ्योरी में माना गया है कि दुनिया के सारे देश वो तीन स्टेजेस से गुजरते हैं। पहली स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर हाई, पैदा होने की रेट और मरने की और डेथ होने की रेट दोनों हाई होती है, और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लो। पहला ये हो गया, बर्थ रेट इज हाई, डेथ रेट इज हाई, बट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लो। इन द सेकेंड स्टेज, बर्थ रेट रिमेन स्टेबल बट डेथ रेट फॉल रैपिडली। बर्थ रेट हमारी स्टेबल रहता है बट डेथ रेट हमारी गिर जाती है। एज अ रिजल्ट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज वेरी स्विफ्टली। सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर बर्थ रेट हमारी स्टेबल है, कम नहीं हो रही है, स्टेबल है, बट डेथ रेट हमारी कम हो गई, जनसंख्या बढ़ जाएगी। और इन द लास्ट स्टेज बर्थ रेट स्टार्ट फॉलिंग, पैदा होने की दर कम हो जाती है, टेंड टू इक्वल द डेथ रेट। जितनी जिस रेट से जिस रेट से बर्थ रेट हमारी गिरती है, उसी के इक्वल डेथ रेट भी हमारी उसी के इक्वल डेथ रेट होती है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्लो। बस ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज क्या है, ये थ्योरी किसके ऊपर बेस है? ये थ्योरी बेस है कि एडवांस कंट्री में पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को चेक करने के लिए, पॉपुलेशन किस बेस से बढ़ रहा है, किस रेस से बढ़ रहा है, किस पेस से बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, उसी के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की हम लोगों ने बात किया है। इसमें तीन स्टेजेस हैं, पहली स्टेज में बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की लो होती है। सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हमारा रिमेन स्टेबल स्टेबल स्थिर होता है, डेथ रेट हमारी गिर जाती है, जिससे हमारी क्या होता है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है। इन द लास्ट स्टेज बर्थ रेट स्टार्ट फॉलिंग, बर्थ रेट हमारी क्या होती है,
गिरना शुरू हो जाती है, बर्थ रेट स्टार्ट फॉलिंग एंड टेंड टू इक्वल द डेथ रेट, जितनी डेथ रेट होती है उसी की तुलना में बर्थ रेट भी हमारी गिरना शुरू हो जाती है, बट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है, ठीक है। हमारा क्या होता है बर्थ रेट हमारा स्टेबल होता है, ठीक, डेथ रेट हमारी गिरना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है पॉपुलेशन हमारी डेथ रेट देखिए कम हो गई, बर्थ रेट हमारी स्टेबल है, बराबर है ना, यहाँ जितनी ये इतनी ये, बट पॉपुलेशन रेट हमारी क्या होती है बढ़ जाती है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है। अब भाई थर्ड वाले में क्या होता है, हमारा हमारी बर्थ रेट हमारी क्या होती है डिक्लाइन हो जाती है, बर्थ रेट हमारी डिक्लाइन होती है जितनी हमारी डेथ रेट के इक्वल हमारी बर्थ रेट होती है उससे हमारी पॉपुलेशन रेट क्या होती है और स्लो हो जाती है, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इसमें यही लिखा हुआ है, पढ़ना कुछ नहीं है आप लोगों को, द थ्योरी ऑफ, देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, इन दिस फिगर द टाइम फॉर डिफरेंट स्टेज इज टेकन ऑन द ओरिजेंटल एक्सिस एंड एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर थाउजेंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। इसमें हमारा क्या हुआ पॉपुलेशन, इसमें क्या हुआ बर्थ रेट और डेथ रेट, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इन द फर्स्ट स्टेज बिफोर द 19th सेंचुरी बर्थ रेट इन वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप की बात किया है, पर 35 पर थाउजेंड एंड डेथ रेट फ्लक्चुएटेड अराउंड 30 पर थाउजेंड, दस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 5%। सीधी सी बात है, पैदा होने वाले 35% लोग थे, डेथ हुई हमारी 30%, 5% हमारी क्या हुई ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, डेथ रेट बिगिन टू डिक्लाइन ग्रेजुअली फ्रॉम 30 to 20, डेथ रेट हमारी 30 से 100 में से केवल 20 लोग खत्म हो रहे थे इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ द सेंचुरी इन द, ठीक है, इसीलिए देखिए क्या हुआ डेथ रेट हमारी क्या हुई, आप देखिए सेकेंड वाले में क्या था कि हमारी बर्थ रेट हमारा स्टेबल था, बर्थ रेट हमारा कितना था भाई सेम 35, और हमारी डेथ रेट कितनी हो गई 20, तो यहां पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो गई 15%, खत्म पैदा हुए 35 लोग, डेथ हुई लोगों की 20 लोगों की, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई 15%। थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज बिगिनिंग विद द 20th सेंचुरी बर्थ रेट बिगिन टू डिक्लाइन फ्रॉम 20%, बर्थ रेट हमारा कितना हो गया 20% एंड हैव कंटिन्यूड फॉर अबाउट ए सेंचुरी नाउ नियरली 15 per 1000, डेथ रेट ऑल्सो कंटिन्यू टू डिक्लाइन बट सीम टू हैव स्टेबलाइज बिटवीन 10 to 55% 1000 इन वेस्टर्न यूरोप। तो उसी की तुलना में बर्थ रेट हमारा कम हो गया 30 से 20% पे, 35 से 20% पे आ गया, और डेथ रेट भी हमारा क्या हुआ ऑलमोस्ट उसी के बराबर हुआ, उससे क्या हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी क्या हुई कम हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, इसमें आज हमने तीन थ्योरीज की बात किया, डेमोग्राफी ट्रांजिशन की बात किया, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की बात किया, और मल्टीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात किया। तो तीनों के तीनों आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, नोट्स हम आपको भेज देंगे, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। इफ अभी एज ऑफ नाउ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू आस्क टू मी। नम्रता हिंदी में भेज देंगे हम, हिंदी में पीडीएफ चाहिए, कोई हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। सेकेंड थ्योरी का लास्ट पॉइंट रूबी, सेकेंड थ्योरी तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थी ना, इसमें बोला गया कि रिलेशनशिप किसकी होती है पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई की होती है, तो कहीं ना कहीं थ्योरी दिया तो एडविन कैनन ने था, उसके अलावा तीन अलग अलग लोगों ने इसको पॉपुलराइज किया, रॉबिन्स ने, डेल्टन ने और कैरी सॉन्डर्स ने। इसमें सेकेंड पॉइंट ये था, बोला गया रॉबिन्सन ने बोला था कि पॉपुलेशन विच जस्ट मेक द मैक्सिमम रिटर्न पॉसिबल इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन और द बेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम रिटर्न दे रही है, ये रॉबिन्स ने बोला था,
कैर सॉन्डर्स ने बोला था पॉपुलेशन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, ऐसी ऐसी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर दे रहा है उसको उसको क्या बोला गया, मैक्स उसको बोला गया है सबसे अच्छी पॉपुलेशन। जो डेल्टन ने बोला ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड, ऐसी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम इनकम दे रही है इंडिविजुअल्स को, ऐसी पॉपुलेशन को सबसे अच्छा पॉपुलेशन बोला गया। अगर हम तीनों को समझे, तीनों को सोचें, तो डेल्टन का व्यू, डेल्टन की सोच सबसे अच्छी साइंटिफिक मानी गई और रियलिस्टिक मानी गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों। आप लोग पूछ लिया करिए, व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लिया करिए, जो बच्चों वाला ग्रुप है जिसमें यूजीसी नेट न्यू बैच लिखा हुआ है उस